अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर खरिया से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। यार मैं कर रहा हूँ इधर जो है हमारे घोड़ों के जगह, इस पे पानी का छिड़काव कर सफाई की है, और मिट्टी हुई पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो इधर सफाई की है सारी, पानी फेंक रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ अब तकरीबन जो है ना 10-15 मिनटों के बाद जा रहा हूँ, एक डॉग है उसकी फाइट है तो उसको देखने जा रहा हूँ, और डॉग भी आपको दिखाऊंगा। फाइट तो मैं दिखा नहीं सकता लेकिन डॉग भी आपको दिखाऊंगा। और उधर पहुंचते हैं तो उनकी फाइट भी देखते हैं। तो इनको जो है इधर बांध दिए, ये जो है सुल्तान और मिट इधर खड़े हुए हैं, और रेडरोज जो है वो उधर प्लॉट में बंधा हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ अब, तो वापस आके तो हम इधर दूसरा शौक करते हैं अपना। यार उधर पहुँचे आए हैं और डॉग को नहला रहे हैं, नहला के तो फिर लेके चलते हैं, इसकी फाइट करानी है तो उधर लेके चलते हैं। इसको इधर अब नहला रहे हैं, क्या बात है भाई, डॉग तो खूबसूरत है। काबू करो, काबू 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 काबू, हो गया। तो अब लेके चलते हैं उधर बाहर। अरे ये इधर पहुंचे, इधर बांध दिए ला के दरख्तों के नीचे, दूसरा डॉग आने वाला है। यार दूसरा डॉग आ गया है, और इस डॉग का जो पट्टा वगैरह उतारते लेके चलते हैं। आ जाओ, ये देखो यार इसके काम, पता नहीं आगे ये क्या करेगा। चलो चलो चलो, ये डॉग आ गया और ये दूसरा डॉग आ गया, इनकी फाइट अब शुरू होने वाली है। यार ये डॉग विनर हुआ है, तो ये आगे लेके जा रहे हैं, वो उधर दरख्त के नीचे रोकेंगे तो फिर मैं आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। ये देखो कमाल कमाल की चीज़ है यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत डॉग है, और ये विनर भी हुआ है, जबरदस्त चीज है, जबरदस्त। हेडरोज को इधर बांध दिया ला के, प्लाट से ले आए, इधर बांध दी है, और मुदस्सर जो है वो इनके लिए घास लेने गया हुआ है। पहले जो है इनको दाना डाला था, दाना डाल के ऊपर जो है फिर वो चोकर वगैरह भी इनको डाल दिया है, तो अब घास आ जाएगा शाम तक, ये घास कहेंगे, रात को फिर इनको जो है वो खुशक ज्वार जो है उसका कुतरा जो है वो डाल देंगे। यार एक सरप्राइज है हमारी, ये वाली जो मुर्गी है ना, अभी मेरी साइड पे आया तो मैंने देखा है, तो आवाजें आ रही थी चूजों की, ये देखो ओए ये चूजा अंदर फंसा पड़ा यार, तो इसको निकालते हैं, इससे निकला नहीं जा रहा था, आधा निकल आया है और आधा जो अंदर फंसा हुआ है। ओए 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 निकल आया यार, एक तो हाथ एक है, फाइनली निकल आया बाहर। और ये देखो यार, ये छिलका जो अंडे के ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर इसके अंदर से बच्चा निकलेगा तो वो अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि उससे निकला नहीं जाएगा। तो ये मैंने उतार दिया, और दूसरे ये भी, इससे भी बच्चा जो है बाहर आने वाला है, ये अंडा जो है ये देखो, देखता हूँ यार मुकम्मल कितने अंडे पड़े हुए हैं, बच्चे कितने आए हैं, 3-4, और एक वो सामने डर के जो वो गया खड़ा, तो पांचवा बच्चा ये आने वाला है, और 3 अंडे पड़े हुए हैं। तो यार पहले मैंने चेक किए थे, ये तीनों अंडे ठीक थे, तो अब देखते हैं इनको कैंडली करते हैं इनकी, तो पता चलता है ये खराब हुआ पड़ा है। तो मुझे लगता है बच्चे सिर्फ हमारे पास इस मुर्गी के 6 होंगे, 5 निकल आए हैं, और छठा बच्चा जो ये अंडे से निकलने वाला है। चलो आ गया, ये टिड्डू भी आ गया, माशाल्लाह 6 बच्चे हो गए मेरे पास। चारा डाल दिया इनको, रेड रोज को भी,
सुल्तान और मिट्टी भी खा रहे हैं चारा घास। तो यार इंशाल्लाह कल से जो है ना न्यू वर्कर जो है वो आ जाएगा। उससे बात हो गई यार, पिछले कल का दिन और आज का दिन दो दिन बहुत मुश्किल से गुजरे हैं क्योंकि इनका चारा वगैरह नहीं आ रहा था घोड़ों का, तो इसलिए तो आज न्यू वर्कर आया, उससे मुकम्मल बात हो गई है। सुबह इंशाल्लाह वो आ जाएगा काम पे, तो फर्स्ट टाइम उसको भेज देंगे। इनके लिए पहले घास लेके आएगा घोड़ों के लिए, तो फिर बाद में वो दूसरा काम करेगा। क्योंकि वर्कर यार नहीं होता तो बहुत परेशानी बनती है, इसलिए वर्कर से बात होगी, मुकम्मल तय हो चुकी बात, तो सुबह सुबह ही वो काम पे आ जाएगा। सारे परिंदे जो हैं इधर फिर रहे हैं डेरे पे। तो आज जो है घोड़ों का जो घास है वो मुदस्सर लेके आया था, तो क्योंकि मुदस्सर का यार एक हाथ भी ख़राब है, क्योंकि मुदस्सर को जो है डॉग ने काटा था तो इसकी उंगलियाँ ख़राब हुई हुई है, ऊपर से नाखून भी उखड़ गया है। तो उंगली दिखाना अपनी, ये देखो इसका ऊपर से नाखून भी उखड़ गया था, डॉग ने काटा था, तो इसलिए यार मुदस्सर से जो है ना वो घास जो है वो काटता है तो दर्द होती है। तो दो दिन बड़ी परेशानी बनी, दो दिन यही घास लेके आता रहा, आज भी इसने यही लेके आया और कल भी लेके आया था, लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत ले आता था लेकिन ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि ये दिन के टाइम सुबह सुबह से जो है डालते हैं तो शाम तक ये ख़त्म हो जाता है, अब ख़त्म हो गया, तो सुबह इंशाल्लाह जेड़ा ना ज़्यादा घास मंगवाएंगे। तो यार ये पिंजरा लेके जाना था वेल्डिंग के लिए, तो वो जो है लाइट कल और परसों दो दिन हम मसरूफ़ थे, तो अभी फ़ोन किया है तो लाइट नहीं है, तो सुबह इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ही कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करा के लाएंगे। मोती मोती सर इसको छोड़ो और बाहर लेके जाओ, यार मोती को लेके जा रहे हैं तो इसको बाहर जा के ना आज इसको खुला छोड़ेंगे। यार मोती को खुला छोड़ दिया मोती, तो ये आप मेरे पास आएगा सामने, ये देख चलो 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 टूर टूर फिर ले, चलो चल मोती चल पीछे 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 गंदया चलो। यार मोती को छोड़ा है, भागने दौड़ने की बजाय ये मेरे पास आता है तो जंप करने की कोशिश करता है, ये देखो अभी इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये जंप कर ले, लेकिन कोशिश करता है जंप करने की। चलो चलो ये देखो अब खुला छोड़ दिया इसको, तो भागने की बजाय कहीं जाने की बजाय ये मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। अब मुदस्सर की बारी आ गई है, ये देखो उसको छोड़ के अब मेरे पीछे आ रहा है फिर। ओए चलो 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 चले, ये देखो अंगड़ी पावा तेन चल। यार आज हम ना डॉग का जो मैच था ना उनकी फाइट हुई है वो देखने गए थे ना, तो उधर बहुत मज़ा आया, यकीन मानो जो एक डॉग था ना वो अंदर से तकरीबन 3 मिनट वो लड़े हैं, उन्होंने फाइट वगैरह की है, तो वो एक जो है वो लड़ता लड़ता ही छोड़ के भाग गया, तो वो क्लिप मैंने नहीं बनाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वो पता ही नहीं चला। आगे जो है ज्वार के जो चारा था उसके अंदर वो चला गया, तो वो काफ़ी आगे से जो है ना गुजरा, गुजर के जो फिर वो अपने घर की तरफ चला गया, तो वो वीडियो का क्लिप नहीं बन सका उधर, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, जैसे वो भागा या जैसे उसने फाइट की, पहले वो अच्छी फाइट कर रहा था तो अचानक ही जो वो भाग गया, तो इसका काम चेक करो भागने की बजाय ये मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। ओए मोती, यार ये मोती का काम चेक करो और चल पीछे, हमें छोड़ के ना ये थोड़ा सा भी आगे नहीं जा रहा, बिल्कुल साथ 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 फिर रहा है। मोती ओए मोती चल पीछे पीछे चल। तो ठीक है गाइस,
ये आज का हमारा व्लॉग था। इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।